नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी जानकारी कानपुर देहात से मिल रही है, जहां पर बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक बड़ा ट्रॉला जो है वो पलट गया। इस हादसे में 22 मजदूर उसके नीचे दब गए हैं, जिनमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है, कईयों को गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं मरने वालों में बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की कानपुर देहात से मिल रही है। तो 16 मजदूरों को कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से बाहर निकाला गया। 8 मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं, एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हाईवे पर यह तेज रफ्तार ट्रॉला बेकाबू होकर पलट गया। वहीं जो चश्मदीद थी महिला, जिसकी हालत अभी नाजुक है, लेकिन उससे जब पूछा गया तो उसका यह कहना है कि जो ट्रॉला चालक था वो तेज आवाज में गाने बजा रहा था और ठीक तरीके से गाड़ी नहीं चला रहा था, जिसकी वजह से अनियंत्रित होकर ये भीषण सड़क हादसा हो गया। और ज्यादा अपडेट के लिए कानपुर देहात से मेरे सहयोगी मनोज मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जो घायल है मजदूर, उनकी हालत क्या बताई जा रही है? देखिए, जो प्राप्त जानकारी अभी आ रही है कि ये रात देर रात का मामला है, और ये जो ट्रॉला था ये पाया हमीरपुर घाटमपुर होते हुए इटावा जा रहा था, और इसपे लगभग 20 से 22 लोग जो थे सवार थे, इनमें से कुछ बच्चे भी थे, कुछ महिलाएं भी थे। और देर रात शायद सुनने में ये भी आ रहा है कि जो ड्राइवर था वो शायद नशा भी किए हुए था और नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। गाड़ी की रफ्तार इतनी थी कि उसको खुद नहीं मालूम था कि मैं कैसा क्या कर रहा हूँ, और वो बहुत ही ज्यादा फास्ट था, जिस वजह से मऊ खास के पास आते हुए ट्रॉला अनियंत्रित हुआ और पलट गया, जिसमें तीन बच्चों सहित 2 महिला और 1 पुरुष की दबकर मौत हो गई है। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें तत्काल ही सहायता दी गई है। मौके पर रेस्क्यू टीम ने पहुंच करके सभी घायलों को नीचे से बाहर निकाला है, और वो तत्काल नजदीक के ही पुखराया स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, जहां से 8 लोगों को गंभीर हालत में देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मनोज, जो ट्रॉला ड्राइवर था, क्या उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है? पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में? देखिए, फिलहाल पुलिस मामले में पुलिस ने अभी कुछ नहीं बताया है कि ट्राला जो ड्राइवर था वो पकड़ा गया है या फरार है। अभी पुलिस ने इस पूरे मामले पे चुप्पी साध रखी है। अधिक जब हम लोग पूछते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि अभी जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी परिणाम सामने निकल के आएगा उससे आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हैं कि रात के वक्त पुलिस की चौकसी और ज्यादा बढ़ जाती है। जो तेज रफ्तार वाहन होते हैं उन पर पुलिस की नजर रहती है, जो ओवरलोड वाहन होते हैं उसमें भी पुलिस की नजर रहती है। ये वाहन जो हाईवे से गुजर रहा था, क्या आसपास कोई भी चेकिंग अभियान नहीं चलाया जा रहा था? क्या पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं थे? जी हाँ, ये अगर देखा जाए तो उस जगह पे जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पे ना ही किसी प्रकार की कोई चेकिंग थी और ना ही कुछ थी। जो घायलों हैं उनमें से किसी ने तत्परता दिखाते हुए 112 नंबर डायल की है, तो वहाँ पे जब पुलिस मौके पे 112 पहुंची, उसने जब सिचुएशन देखी है तो वायरलेस के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात किशोर कुमार चौधरी को सूचित किया गया है, वह पूरे पुलिस फोर्स को सूचित किया गया, तब मौके पे रेस्क्यू टीम पहुंची है। बहरहाल रेस्क्यू टीम ने थोड़ी सी मशक्कत दिखाई है, रात में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, लेकिन पूरा काम किया गया है और घायलों को सकुशल निकाला गया। लेकिन जो ये 8 डेड बॉडीज थी, इन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक से निकाल करके इन्हें तत्काल ही रात में ही उपचार के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया है, फिर उसके बाद इन्हें पोस्टमार्टम के लिए माफी अकबरपुर भेज दिया गया है। सभी लोग जिनकी जान चली गई है वो कहाँ के निवासी थे, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? आज जी हाँ, ये जानकारी निकल के सामने आई है कि ये जो सभी है ये मजदूर तबके के हैं। ये हमीरपुर से थोड़ी रोजी रोटी कमाने के लिए इटावा या दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ मामला था कि शाम को ये लोग कल साकुशल अपने घर से रोजी रोटी कमाने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इन 6 लोगों को कि ये रोजी रोटी उनको इतनी महंगी पड़ जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा हो गया है, और हादसा हुआ तो चीख पुकार मच गई, तत्परता दिखाते हुए डायल 112 पर कॉल किया गया, तब जाकर पुलिसकर्मी वहां पहुंचे हैं, राहत बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि जिन लोगों की जान चली गई उन सब के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, साथ ही साथ जो लोग घायल हैं उन सभी का CHC में इलाज चल रहा है।